हेलो माय फ्रेंड्स, कैसा काय। मैं हूं आपका रफ़ी सर, और आज रफ़ी सर को आ गया गुस्सा, इसलिए आज मुझे जो भी कंपाउंड आप दोगे मैं उसको आग लगा दूंगा। आग डैट मीन्स आज मैं हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ मेटल नाइट्रेट और मेटल कार्बोनेट के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो देखो, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है ये, आप इसको समझेंगे। अगर मैं मेटल नाइट्रेट को हीट करूंगा तो उसके लिए क्या सिंपल ट्रिक्स है, और अगर मेटल कार्बोनेट को हीट करूंगा तो उसके लिए क्या सिंपल ट्रिक्स है। तो देखो, अगर मेटल नाइट्रेट को हीट किए तो आपको मेटल के ऑक्साइड मिल जाएंगे, प्लस ब्राउन कलर की गैस, रेडिश ब्राउन कलर की आपको गैस मिल जाएगी, रेडिश ब्राउन कलर की गैस मिल जाएगी, प्लस ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो इस पे बेस कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अगर मेटल नाइट्रेट को हीट किया जाए तो क्या मिलेगा। तो पहली चीज़ कि इस स्कीम मैंने फिक्स कर दिया है, मेटल के ऑक्साइड बनाना है, रेडिश ब्राउन कलर की गैस डेट मीन्स NO2 गैस बनाना है, और ऑक्सीजन बनाना है। बाय द वे, इन दोनों के बारे में आपको ट्रिक में बता रखा हूँ कि ये दोनों पैरा मैग्नेटिक गैसेज हैं। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि किसके नाइट्रेट को हीट करने से दो पैरामैग्नेटिक गैस मिलेगी। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकता है, या रेडिश ब्राउन कलर की गैस आएंगी। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको सिंपल इस स्कीम से करना है। ध्यान रहे कि कौन कौन सी नाइट्रेट आपको ये रिएक्शन नहीं देगा। तो सोडियम की नाइट्रेट, पोटेशियम, रूबीडियम एंड सीजियम, डैट मीन्स फर्स्ट ग्रुप के, या अल्कली मेटल वाले, लिथियम को छोड़ करके बाकी सब, ये नाइट्रेट की हीटिंग होने पर आपको रेडिश ब्राउन कलर की गैस नहीं देंगी। नाउ इसको याद कैसे रखेंगे, तो वो भी सिंपल ट्रिक से। देखो, यहाँ पे हो गया ये सोडियम, सोडियम हो गया ये, पोटेशियम से बना लेंगे, के से की, सोडियम की, आरबी से मतलब रब, सीएस मतलब से, और एफआर मतलब फ्रेंडशिप। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, सोडियम की रब से फ्रेंडशिप। अब आप ही सोचो, अगर किसी आदमी की दोस्ती गॉड से हो जाता है, रब से हो जाता है, तो डेफिनेटली उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है कि इसके नाइट्रेट को अगर आपने हीट किया तो आपको रेडिश ब्राउन कलर की गैस नहीं मिलेगी। तो मिलेगा क्या सर, उसको मैं एप्लीकेशन में बात करूँगा। सिमिलरली मेटल के कार्बोनेट को अगर हीट करोगे तो मेटल के ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको मिल जाएगी। अगेन, नाटक कौन करेगा, तो नाटक यही करेंगे सोडियम की रफ से फ्रेंडशिप वाले। अगर इनके कार्बोनेट को हीट करोगे तो यू विल नॉट गेट CO2। याद कैसे रखेंगे, सेम लॉजिक, सोडियम की रफ से फ्रेंडशिप। कनेक्शन क्या है कि जिसकी दोस्ती गॉड से हो गई उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए अब हम बात करते हैं डायरेक्ट अप्लीकेशन की। तो चलिए, मैंने कुछ प्रॉब्लम लिए हैं और उसको कैसे हमारे ट्रिक से सॉल्व करेंगे उसके अप्लीकेशन की मैं बात करने जा रहा हूँ। तो पहले मेटल नाइट्रेट में आप देख सकते हो, मैंने मेटल के नाइट्रेट लिए हैं। तो हमने क्या स्कीम दिया था कि मेटल के ऑक्साइड बनाना है, तो PbO बन जाएगा, प्लस ब्राउन कलर की गैस डेट इज NO2 बनाना है, प्लस O2। ध्यान दें, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, वो हम कर लेंगे, उसका टेंशन नहीं है। मैन थिंग इज कि प्रोडक्ट हम क्या बनाएंगे। सिमिलरली जिंक के नाइट्रेट को हीट करेंगे तो मेटल के ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, रेडिश ब्राउन कलर की गैस NO2 एंड O2 मिलेगा आपको, और बोथ आर पैरामैग्नेटिक गैस। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिल्वर के नाइट्रेट को हीट करेंगे तो यहाँ पे ध्यान देना, सिल्वर के ऑक्साइड बहुत ही कम स्टेबल होते हैं, क्योंकि यू नो सिल्वर जो होता है वो बहुत ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है, इसलिए उसके जेवर भी बनते हैं, ऑर्नामेंट्स भी बनते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट आपको उसके ऑक्साइड ना मिल करके सिल्वर ही मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मरकरी होता तो HG भी आपको डायरेक्ट मिल जाता, उसका ऑक्साइड नहीं मिलता। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, आपको रेडिश ब्राउन कलर की गैस और O2 मिल जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि लिथियम के नाइट्रेट को हीट करेंगे तो लिथियम के ऑक्साइड प्लस रेडिश ब्राउन कलर की गैस प्लस O2 मिल जाएंगे आपको। नाउ द क्वेश्चन इज कि सोडियम के नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या होगा। तो हमने बताया कि ये इसके नाइट्रेट को हीट करोगे तो आपको रेडिश ब्राउन कलर गैस नहीं मिलेगी, सोडियम नाइट्राइट मिल जाएगा और ऑक्सीजन गैस मिल जाएगा। आप इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि आपको रेडिश ब्राउन कलर की गैस मिलेगी, तो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इस पर बेस्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, चार ऑप्शन दे करके, विच कैन गिव रेडिश ब्राउन कलर गैस, विच कैन गिव बोथ गैसेज आर पैरामैग्नेटिक, इस टाइप के कौन देंगे हीटिंग करने पे, या विच कांट गिव रेडिश ब्राउन कलर गैस। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, और वेरी सिंपल, सोडियम की रफ से फ्रेंडशिप वाले आपको NO2 गैस नहीं देंगे।
सेम चीज़ें अगर मेटल कार्बोनेट में हम बात करें तो अगर हमने लेड के कार्बोनेट को हीट किया तो उसके ऑक्साइड बनाना है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर चली जाएगी जो कि एक कलरलेस गैस है। ध्यान दें कि यहाँ पे हमने उसके कार्बोनेट को हीट किया है। सिमिलरली जिंक के कार्बोनेट को हीट करेंगे तो मेटल के ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका चला जाएगा। कैल्शियम के कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। ध्यान दें कि कैल्शियम के कार्बोनेट को जो हीट कर रहे हो आप, तो ऐसा नहीं कि यह 100 डिग्री सेल्सियस या 200 डिग्री सेल्सियस पे ब्रेक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, ऑलमोस्ट 2000 केल्विन के आसपास लगता है, बट स्टिल ये आपको ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। लिथियम के कार्बोनेट को अगर हीट करेंगे तो लिथियम के ऑक्साइड मिल जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, बट अगर आपने सोडियम के कार्बोनेट को हीट कर दिया तो ये बुरा मान जाएगा। बुरा मानने का क्या मतलब है कि ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा ही नहीं, चाहे आप कितना भी हीट कर लो। ज़्यादा हीट कर दिए तो क्या होगा सर, ये मेल्ट हो जाएगा। दैट मीन्स इसने कसम खा लिया है कि आप इसको कितना भी हीट कर लो आपको ये CO2 नहीं देने वाला है, तो ये विल नॉट गेट CO2। एक्चुअली ज़्यादा हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, बट CO2 आपको नहीं देगा। तो सिर्फ सोडियम नहीं, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, इन सब के कार्बोनेट को हीट करोगे तो यू विल नॉट गेट CO2। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको चार ऑप्शन दे करके, विच कैन गिव CO2, विच कैन गिव NO2 और विच कांट। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन होंगे आप इजीली कर लेंगे। दोनों का सिंपल सा एक्सेप्शन है कि सोडियम की रब से फ्रेंडशिप कनेक्शन मैंने कैसे किया है कि जिसकी दोस्ती रब से हो जाए तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। नाउ अब जाते जाते एक बहुत ही छोटा सा ज्ञान देने जा रहा हूँ कि अगर सिल्वर और मरकरी के नाइट्रेट या कार्बोनेट होंगे उसको हीट करोगे तो चूंकि उसके ऑक्साइड तो बनते हैं लेकिन वो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, तो उस केस में आपको डायरेक्ट मेटल ही मिल जाएगा, सिल्वर या मरकर ही आपको लिख देना है, उसके ऑक्साइड नहीं लिखना है, लाइक Ag2O वो लिखना सही नहीं रहेगा। और सेकेंड थिंग कि हमने इस टाइप से लिखा था MX और NO3 होल वाई, तो कहने का यह मतलब है कि वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए जो नंबर आएंगे, जैसे जिंक नाइट्रेट लिखोगे तो यहाँ पे जिंक एक रहेगा और नाइट्रेट दो रहेंगे, तो ये XY उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप इसी तरह हमारे ट्रिक्स को सही से समझते रहिए और इन्जॉय करते रहिए और हमसे जुड़े भी रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आ रहा है तो आप इसको आगे बच्चों में शेयर भी कीजिए। थैंक यू।